मेरठ में चोरी और लूट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान में नाले के सहारे कुंबल लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दुकान के मालिक दीपक ज्वेलर्स ने बताया कि एक महीने में दूसरी बार लूट को अंजाम दिया गया है। बाजब फिर से चोरी हो गई। एक महीने में दूसरी चोरी है। पिछली बार छत पे से आए थे, इस बार जमीन पे से आए, नीचे से। आपकी बात तो बढ़िया जी हो गई। हाँ जी, लिख के भी गए आपकी बात, धमकी देके गए। और ये हमारे फूल नहीं धमकी देके गए, पुलिस को धमकी देकर गए। तुम पे पिछली बार भी नहीं पकड़ा गया और इस बार भी नहीं पकड़ा जाऊंगा मैं। वो लिख के गया है साफ साफ, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। चार जने थे वो, ये भी बता के गया है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस कोई काम नहीं कर रही। एक डेढ़ साल में हमारी तीसरी चोरी है। हालांकि इस बार हमारा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी चोरों के हौसले कितने बुलंद है। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक चोर नहीं बचेगा, दूसरी बार हमारे यहाँ तीन तीन बार चोरी हो रही है। हालांकि नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हो रहे हैं। चोरों ने दुकान के गेट के नजदीक जमीन में सुरंग खोदी और फिर उस सुरंग के जरिए दुकान में घुसकर लूट को अंजाम देने की कोशिश करी। दुकान का मालिक जब दुकान पर पहुंचा तो सुरंग खुदी देखकर हैरान रह गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करी। हालांकि मालिक ने बताया कि दुकान से ज्यादा सामान चोरी नहीं हुआ है, लेकिन इस शहर में लूट को अंजाम दिया जा रहा है। क्या बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं बचा? इसके अलावा चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए दुकान में लिखा कि पुलिस उन्हें पकड़ सके तो पकड़ ले।